नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष गर्ग है। मैं मेयो हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 69 मोहाली, मैं आईसीयू सर्विसेज का ध्यान देता हूँ। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन संभालता हूँ। मैं आपको इस समय इन्फेक्शन, सीवर इन्फेक्शन, सेप्सिस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा हम सब जानते हैं, भारत में हेल्थ सर्विसेज बढ़ रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, देखा जा रहा है कि इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन या कितने लोगों को कितने समय पे इन्फेक्शन होता है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और कुछ इन्फेक्शंस अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ली जाती हैं, पर अगर इन्फेक्शन ठीक से डिटेक्ट नहीं की जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीवियर इन्फेक्शन में बदल जाती है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ और इवन मोर्टैलिटी देखी जा रही है। तो मैं इस समय आपको इन सीवियर इन्फेक्शन के बारे में ही बताना चाहूँगा, और शायद कुछ ऐसे तरीके जिनके कारण हम इनको समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं, समय पर पता लग सकता है कि हाँ, हमारे किसी घर वाले के या हमारे पेशेंट के ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। अगर टाइप ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए, हम कहते हैं दिमाग का बुखार, जिसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में मेनिनजाइटिस कहते हैं, या छाती में निमोनिया हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं, एक्यूट एब्डोमन कहते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कारण में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में आती है, जो कि हमारे शरीर की फंक्शनिंग को खराब करती है। ऐसा नहीं होता है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हम उस इन्फेक्शन को इग्नोर करते हैं। कई बार लेडीज में देखा जाता है पेशाब में जलन हो रही है, पर वो इग्नोर करती रहती हैं, या बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर कोई बताता नहीं है। कई बार होता है ओल्ड मेल है, स्मोकर है, भाई बलगम बहुत ज़्यादा पड़ गई है, पर इग्नोर कर दिया जाता है उस चीज़ को। थोड़ा बुखार आ रहा है, एक हफ्ते तक बुखार आ रहा है, उसके ऊपर हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, या किसी लोकल केमिस्ट से थोड़ी सी दवाई लेके उसको हम इन अ वे क्या करते हैं, उसको कंडीशन को और वर्स कर लेते हैं, कंडीशन को बिगाड़ लेते हैं, विच इज़ नॉट टू बी डन। सही समय पे चीज़ को पहचाना जाए, क्यों किसी का होश खराब होगा, नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई कारण नहीं है, इस चीज को पकड़ना, क्यों हमें बुखार होगा, एक यंग आदमी को बुखार क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी की बलगम नहीं बननी चाहिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पर अगर ऐसा हो रहा है तो वी हैव टू थिंक ऑफ द कॉज, कि कुछ ऐसा है जिसके कारण एक डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। और अगर हम इस चीज को डिले करते हैं, घर पे ही रहते हैं, छोटा इलाज कराते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि हमें एक बड़े हॉस्पिटल के बड़े और महंगे आईसीयू के अंदर लैंड अप करना पड़ता है, जहाँ पे लंबी लंबे दिनों के लिए रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और आउटकम भी कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या आउटकम होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम इस इन्फेक्शन को सही समय पे जल्दी डायग्नोज करें, घर में साफ सफाई रखें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, है ना, हैंड हाइजीन, हाथ धोने के प्रिकॉशंस लें, टॉयलेट्स हों, साफ सुथरे टॉयलेट्स हों घरों में, है ना, तो इन सब चीज़ों से ये प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। बट इन केस अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, कोई सेप्सिस में लैंड कर ही गया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, वेल इक्विप्ड आईसीयू की फैसिलिटी, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फैसिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है, एंड एज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट उसमें इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं। थैंक यू।